Hi, this is Divyan Gogoi from Aliceblue, and today we'll discuss about the zinc pivot point support and resistance and the market trends. Before go to this video, please read this disclosure statement. Okay, once you done, and we'll start. So you have dekh sakte hain zinc pivot point 188.97, first resistance 190.5, second resistance 192. And the third 193.99, and the first support 187.909, and the second 185.05 52, and the third support is 183.64. So आप देख सकते हैं ये zinc daily chart जो हमने बात किया था कल, तो zinc ने एक जो रेंज में चल रहा था जिंक, तो उसको ब्रेकआउट किया हुआ है। तो मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिया था एक सपोर्टिंग लाइन, यहाँ पे एक रेंज दिया था यहाँ पे, तो इसको ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया, राइट। यहाँ से नीचे आने का शुरू कर दिया, तो पहले ही बताया था आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब एक बार ब्रेकआउट होता है तो फिर से मार्केट एक बार पुल अप कर लेता है, राइट। तो अगर हम 4 आवर में देखें, जैसे सॉरी डेली में मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ जो इसका रेंज था, ठीक। तो हम 200 के आसपास ले लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिंग रेजिस्टेंस लाइन होगा। तो 4 आवर में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ब्रेकआउट किया, राइट। तो यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, क्या ब्रेकआउट कर दिया, ये जो हमने रेंज दिया था, रेंज ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ रहा, ठीक है। अभी 200 को क्या ब्रेकआउट कर लिया, उसका बाद मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन देना चाहिए। अगर आपने 15 मिनट में देखे तो एक हमें एक रेंज मिला हुआ है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेंज मिला हुआ है, ये रेंज, राइट। और ये रेंज का बाउंस अगर क्या होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 15 मिनट में मार्केट टोटली डाउन टेन लोअर लो बना के आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट एक रेंज में एक हो रहा है, चल रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस बैक कहाँ तक, ये 200 के आसपास दे सकता है। अगर आपको ये ब्रेकआउट कर दिया, आपको लगता है ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन कभी कभी गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज अभी भी सपोर्टिंग जोन में है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन में है। तो आपको ये जो रेजिस्टेंस लाइन होता है, तो अगर बाय लेना है तो यहाँ तक ही लेना है। अगर बाय लेना है यहाँ पे काउंटर ट्रेडिंग होता है, तो ट्रेंड का अगेंस्ट जाना होगा, तो ज़्यादा बाय लेना रिस्क होता है। तो अगर मार्केट वहाँ ऊपर चला गया, जैसे ये मार्केट, तो यहाँ से आप सेल शुरू कर सकता है, कहाँ के लिए, यहाँ के लिए। तो इसलिए आपको मार्केट को अच्छा से देख लेना चाहिए, मार्केट कहाँ कौन सा रेंज में चल रहा है। अगर 5 मिनट में भी देखें तो 5 मिनट में भी देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट एक साइडवे में चल रहा है, राइट। साइडवे कभी कभी ब्रेकआउट करके ये 200 जो मैंने पीबीएस जो सपोर्टिंग था, अभी रेजिस्टेंस बन के रुका हुआ है, तो यहाँ तक जा सकता है। तो इसलिए अब अगर बाय में जा सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रेंज तक ही जा सकता है। जैसे यहाँ पे अभी देखा आपने हायर हाई बनाया, तो जाके यहाँ पे जो 200 सॉरी डेली में जो एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, तो यहाँ तो कि आप पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप, मुझे लगता है तो मार्केट फिर से नीचे आने का चांसेस ज़्यादा लगता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।